हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो बात ऐसा है कि भाई बोर्ड एग्जाम होने में अब रह गया है सिर्फ 1 मंथ, राइट। और ये 1 मंथ सबसे क्रूशियल टाइम होता है, जिससे अगर आप अच्छे से यूज किए कर सकते हो, या अगर आप अच्छे से यूज कर लिए तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट कर सकते हो आप। लेकिन सवाल वही है कि भैया एग्जैक्टली इस 1 मंथ को यूज करें कैसे, थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए, जिससे कि मैं अपना रिजल्ट अच्छा कर सकूं। माना कि मैंने पूरे 1 ईयर पढ़ा है, बट स्टिल अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है कि एग्जाम में बैठेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से पेपर देंगे, क्या लिखेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वेल, टेंशन नहीं लेना है, ये वीडियो बहुत तगड़ा है और सारे टॉपिक्स को, जो भी पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है, उन सबको अच्छे से अगर आपने फॉलो किया तो गारंटीड कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा और कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है और आप आराम से एग्जाम में फोड़ कर आने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। और सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से और धीरे धीरे एकदम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग 1 मंथ को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक पॉइंट से। क्या पॉइंट है भाई, पॉइंट ये है आपका कि प्लान एवरी सिंगल डे, यानी कि आपके पास अभी जितना भी डेज बच रहा है, अगर आज वीडियो देख रहे हो तो आपके पास हो सकता है 35 दिन 36 दिन बच रहा हो, अगर कुछ दिन बाद वीडियो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसके पास थोड़ा कम डेज होगा, आप क्या करो, आप सबसे पहले उसको राइट डाउन कर लो, यानी कि लिख लो कि मेरे पास जो है ना भाई इतना दिन बचा हुआ है, जितना दिन भी है, मान लो 30 डेज बचा हुआ है तो मेरे पास 30 डेज बचा हुआ है या 40 डेज बचा हुआ है, जो भी आपको अच्छे से लिख लेना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम इसमें क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि आपने एक एक दिन को, यानी कि ये जो पहला दिन है इस दिन मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो दूसरा दिन है इस दिन मैं क्या करूँगा या करूँगी, या जो तीसरा दिन है ये मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ भैया बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। अच्छा, लिखना क्या है एक्चुअल में, यानी कि अंदर में क्या पढ़ना है आपको ईच डे, वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया वहाँ पे कि हाँ ये वाला चैप्टर उस दिन पढ़ लेंगे, अब वो टाइम नहीं रहा है, अब आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा, राइट। ओके, तो पहला पॉइंट यही है कि आपको हर दिन अपना प्लान कर लेना है। दैट्स इट, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, एक एक दिन करके आपको प्लान करना है, क्या क्या करना है उस दिन में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट पॉइंट को मैं आपको कवर अप करूं, उसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को। ओके, शायद कहीं ना कहीं पे आप सेलिब्रेट किए ही होंगे, या तो आप अपने कोचिंग में या तो आपके स्कूल में, अगर स्कूल तो फिलहाल बंद है, तो ऑनलाइन अगर सेलिब्रेशन हुआ हो तो आपने वहां किया होगा। बाय द वे, कॉन्सेप्ट एरा आप लोगों के लिए, हैप्पी रिपब्लिक डे के लिए, यानी कि आज जो रिपब्लिक डे है इसके लिए कुछ लेकर भी आया है। और वो क्या है भैया, वो ये है कि जो भी कोर्सेस कॉन्सेप्ट एरा ऐप में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही धांसू और बहुत ही तगड़ा कोर्सेस है, जिससे कि बहुत सारे बच्चों ने अपना इंप्रूवमेंट किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का भी कोर्स उन लोगों ने ज्वाइन किया है, वो सारे कोर्सेज का प्राइस रिड्यूस कर दिया जा रहा है अगले 48 घंटे के लिए, ठीक है। तो अगले 48 आवर्स के लिए आपको सारा का सारा कोर्सेज, जो भी कोर्सेज कॉन्सेप्ट एरा ऐप में अवेलेबल है, जिसका प्राइस आपका पर सब्जेक्ट 599 है, वो घटकर 499 हो गया है। लास्ट चांस है, इसको मिस मत करना, टाइम भी आपके पास कम है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि भैया मुझे वीक है या फिर ये नहीं हो पाएगा मुझसे, जाइए जाकर उस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स को फटाक से इन 48 घंटे के अंदर इनरोल कर लीजिए, ताकि आप अपना 100 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर पाएं। नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। ओके, बढ़े आगे। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को, और ये छोटा सा बस आप लोगों के लिए गिफ्ट, जिसमें आप लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो शायद अभी ऐप में ये आ गया होगा, ऐप जाकर आप खोलो, जो 599 जो कोर्सेज का प्राइस था वो घटकर 499 हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा राइट योर वीक एंड स्ट्रांग पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही इसी के चक्कर में क्या होता है ना, कि अगर आप मान लेते हैं कि आप 80 लाने वाले स्टूडेंट हो, आप 80% स्कोर कर सकते थे या 90% स्कोर कर सकते थे, लेकिन अगर आपने इस चीज को अपना नहीं समझा अच्छे से कि क्या मेरा वीक है और क्या स्ट्रांग पोर्शन है, तो फिर आप नीचे आ जाओगे। यानी अगर आपका 80% लाने का पोटेंशियल था तो 70 में 60 में ही अटक जाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज लिखना है भैया, कैसे लिखे, देखो एक चीज आप ध्यान दो कि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब आपने पढ़ रखा है तो आपने रिवाइज भी एक दो बार किया होगा। जब आप रिवाइज करते हो तो आप देखते हो कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा है जिसको आपने खोला और रिवीजन शुरू किया, आपने उसको फटाफट से रिवाइज कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है, कुछ पोर्शंस ऐसा होता है कि जब उसको रिवाइज, पहले आपने उसको पढ़ चुके हैं बट स्टिल जब उसको रिवाइज करने के लिए आप खोलते हो तो फिर से लगता है कि सारा कुछ इसमें नया नया सा है, मतलब फिर से प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। इसका मतलब ये है कि वो पोर्शन अभी आपका वीक है, स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो उसको क्या करना है, उसको स्ट्रांग करना है उस पोर्शन को। तो जब आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था कि प्लान करना है आपको एवरी डे, उस जगह पे ये जो पोर्शन आपका वीक है उसको आपको पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टाइम देना है वहां पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने वीक और स्ट्रांग पोर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो या फिर आपका पर्टिकुलर
टॉपिक हो। भैया इसको कैसे हम लोग वीक पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करने का 2-3 तरीका है। आप उसको खुद से सेल्फ स्टडी करके देखो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, वही अगेन वही चीज़ सजेस्ट करूंगा भाई, ऑफर भी आया हुआ है, जाइए जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये 599 से 499 हो गया तो उतना मैटर नहीं करना चाहिए। अगर 499 से आपका रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है तो फिर क्या बुराई है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट अब तक जितना भी मैंने बताया है, अगर ये पॉइंट आपने फॉलो नहीं किया तो वो सारा बेकार हो जाएगा। और वो क्या है, वो ये है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में आप उतार लीजिए कि अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करके जाते हो, और कोई बच्चा टेस्ट पेपर सॉल्व करके जाता है तो वो अगर आपसे कम भी पढ़ा था लेकिन टेस्ट पेपर ज़्यादा सॉल्व करके गया, ज़्यादा टेस्ट पेपर पे ध्यान दिया था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ज़्यादा स्कोर कर सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको वो रोड मैप पता चल चुका है कि मैं कहाँ पे पहुँचूंगा तो किस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिलेगा, वो उसको पता चल चुका है, वो बहुत सारा टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया। इसीलिए भैया कोई अच्छा सा टेस्ट पेपर का नाम बताइए मुझे, तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं, ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं ये, तो इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, सबसे बेस्ट टेस्ट पेपर जो आप ले सकते हो दैट इज ABTA। ठीक है, तो ABTA आप लें, लेकर उसमें इंग्लिश का सेट अलग से होगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, जो बच्चे बंगाली मीडियम के देख रहे हैं तो उसमें तो बंगाली का सेट होगा ही। ओके, जाइए ABTA में, जितना पेपर है उसमें से जितना मैक्सिमम आप कर पाएं उतना मैक्सिमम करना। आप देखना कि एग्जाम का जो पेपर आएगा फाइनल एग्जाम का, उसको आप देखना कि 60-70% जो है वो ABTA से मैच कर रहा होगा, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बना रखा है। ओके, तो सॉल्व एज मेनी टेस्ट पेपर्स एज पॉसिबल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये 100% गारंटी देता हूँ, ये चीज़ आप में बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस भी लाएगा एज वेल एज आपका मार्क्स भी अच्छा करवा देगा ये। एक चीज़ और ध्यान देना, कैसे पेपर को सॉल्व करें ये समझो। मान लेते हैं कि आपने पेपर स्टार्ट किया सॉल्व करना, बट क्या हो रहा है आपसे पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास जो भी नोटबुक है, कॉपी है, या फिर कुछ भी आपके पास ऐसा है जिसको देख देख कर भी अगर पेपर को आप सॉल्व कर पाओ तो उस चीज़ को देखो और देख कर पेपर को सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि बिना देखे ही आप करो, पहला एक वीक या दो वीक आपको ये काम करना है। ओके, और एटलीस्ट एवरी डे ट्राई करना है कि एक से दो पेपर तो कम से कम अगले 30 दिनों के लिए एवरी डे कम से कम एक से दो पेपर मुझे हर हाल में सॉल्व करना ही करना है। ओके, मिनिमम से मिनिमम एक, और अगर एक से जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर है। मैं बोलूँगा अगर आप दो पेपर सॉल्व कर पाओ बहुत बेहतर होगा, एवरीडे आपको ये काम करना है। और स्टार्टिंग का एक दो वीक अगर आप देख देख के भी पेपर सॉल्व कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख कर पेपर सॉल्व करो कोई बात नहीं, बट उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे और चौथे वीक में आपको बिना देखे एग्जैक्ट टाइमर लगाना है 3 घंटे का, और जिस तरीके से एग्जाम में आप बैठ कर एग्जाम दोगे एग्जैक्टली उसी माहौल में आपको अकेला बैठ जाना है, घर पर किसी भी कोने में कोई जगह है तो मम्मी पापा या कोई भाई बहन जो भी हैं आपके, भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना, एग्जाम का सवाल है, भैया ने बोल रखा है कि 3 घंटे का टाइमर लगाकर अपने को पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ है, और ये आपको मतलब वो जो छोटा सा बचा हुआ कड़ी है ना जिसके कारण बहुत सारा इशू हो सकता है वो भी आपका दूर कर देगा। और वो क्या है, मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन करो, अटेंड करो अगर पॉसिबल हो पाए तो। आपके एरिया में, आपके आसपास में कहीं पे भी किसी कोचिंग वगैरह में मॉक टेस्ट अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, 100 बच्चे 150 बच्चे 200 बच्चे हों, प्लीज़ आप उस मॉक टेस्ट को जाकर ज्वाइन करें। अगर कोई फ़ी ले रहा है, फ़ी लेगा ही लेगा क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद टीचर्स सारे को बैठ कर चेक करते हैं, तो अगर मॉक टेस्ट पॉसिबल है आपके एरिया में कहीं पे तो आप जरूर मॉक टेस्ट को दें। मैं इस बात को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने मतलब आप सिंपली जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इस बात को इतना बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो करना क्या है भैया, करना ये है, अच्छा ये होता क्या है फुल मॉक टेस्ट ये समझिए, ये होता ये है कि एक सेंटर तैयार किया जाएगा, यानी कि एग्जाम की तरह पूरा माहौल बना दिया जाएगा, आपको सिंपली जाना है वहाँ पे, जाकर जिस तरीके से आप बैठते हो एग्जैक्ट माध्यमिक के एग्जाम हॉल में वैसे ही बैठना है, और एक टीचर जो दो तीन टीचर वहाँ पे रहेंगे, इनविजिलेटर का काम करेंगे, देखते रहेंगे आप चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे हो ना, वो लोग आपको पेपर ला कर देंगे और आप एग्जैक्टली 3 घंटे के टाइम में उस पेपर को सॉल्व करोगे। उसके बाद टीचर लोग उस पेपर को चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे कि ये जो बच्चे हैं सारे का कितना कितना मार्क्स आया है, इसे आपको ये पता चलेगा कि आपका कहीं टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू तो नहीं है, आप ज़्यादा टाइम तो नहीं ना ले रहे हो पेपर को सॉल्व करने में, ये सारा इशू आपको पता चलेगा। साथ ही साथ अगर ज़्यादा बच्चे एक साथ दे रहे हैं एग्जाम तो आपको ये भी पता चलेगा कि उन सारे बच्चे में आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप मान लो कि सारा बच्चा मान लो 200 बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे थे और आप उसमें टॉप 50 में आए तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको और मेहनत करना है और अच्छा इंप्रूव करना है, राइट, और आगे कैसे बढ़ा जाए ये भी आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट अटेंड अगर आप करते हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एक अलग मतलब कॉन्फिडेंस का जो लेवल है एक नेक्स्ट
लेवल पर पहुंचा देगा इसको, ओके, कॉन्फिडेंस को आपका, और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये। बाय द वे एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपके एरिया में या कहीं पे नहीं हो पा रहा है, या आप चाह रहे हो कि कॉन्सेप्ट एरा इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, अच्छे से इस बात को ध्यान देना, अगर आप चाह रहे हो कि कॉन्सेप्ट एरा इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करे, फुल मॉक टेस्ट को ऑल ओवर बंगाल, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो कि भैया आप ही इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाइए, जिससे कि हम लोग आराम से घर में बैठ कर ही आराम से टेस्ट दे दें, क्योंकि भाई कोविड का टाइम है तो हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, ताकि बोर्ड लेवल का पेपर को तैयार किया जा सके, एज वेल एज आप लोगों का पेपर को भी उस तरीके से चेक किया जा सके जैसे बोर्ड में चेक होता है, और आप लोगों को रिजल्ट दिया जा सके, ठीक है। और टेस्ट जो होगा वो फुल मॉक टेस्ट होगा, आप लोगों को पेपर में फिजिकली लिखना होगा, कैसे होगा किस तरीके से होगा उसका टेंशन नहीं लेना है, बस हाँ इतना ध्यान रखना कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, तो वो मॉक टेस्ट एग्जैक्ट उसी पैटर्न में होगा और उसी तरीके से उसी प्रेशर में होगा जिस तरीके से आप फाइनल एग्जाम माध्यमिक का देते, ओके। लेकिन हाँ याद रखना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, तो आप अपना सजेशन जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप लोगों का सजेशन रहा कि हाँ मुझे करना है करना है करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक कम्युनिटी टैब में मैं एक पोल भी डाल दूं, ताकि मैं देख सकूं कि कितने सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहें तो फिर मैं पूरे टीम के साथ मिलकर एक मॉक टेस्ट या दो तीन सेट मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा माध्यमिक 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। ऑल ओवर बंगाल के कोई भी बच्चे जो कि माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं वो इस मॉक टेस्ट को दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करे, कमेंट सेक्शन में जाकर पूरा भर दो लिखकर, एज वेल एज मैं पोल भी एक डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में, वहां पे जाकर भी आप अपना वोट दे सकते हो, ठीक है। बढ़िया, आई होप कि ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताया है आपको हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने बताया है वो प्रूवन है और प्रैक्टिकल चीज़ है, और मैंने भी अपने टाइम में अप्लाई किया था, तो आप भी अप्लाई करना, ये चीज़ जरूर हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और एक और चीज़, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 599 का कोर्स अगले 48 घंटे के लिए 499 हो गया है, जो भी सब्जेक्ट वीक है जाओ जाकर उसको आप इनरोल करो, उस सब्जेक्ट का गारंटीड है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंड जाने से पहले वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, एक मंथ बचा हुआ है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, थैंक यू।